हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं झा सर और हमारे सहयोगी चंदन सर हैं साथ में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आज जो मैंने लाइव आया था कुछ देर के लिए बीटीएससी के, जब हमने बीटीएससी गया था उस टाइम में, आप लोगों को पता होगा कि आज बीटीएससी के सचिव महोदय से मुलाकात करने के लिए हम गए थे और हमारी और उनके बीच क्या क्या बातचीत हुई है, इस वीडियो में पूरा हम चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहिए पूरे वीडियो में। और सबसे पहले ये चीज ध्यान रखिए, जितने भी सीआईटीएस होल्डर हैं वो कम से कम एक प्लेटफॉर्म पर एक साथ जो है सभी लोग जुड़िए और जुड़ करके एक मुहिम इस तरह से बनाया जाएगा, किया जाएगा, जो कि आज हम विस्तार रूप से इसमें चर्चा करने वाले हैं वीडियो में। तो बने रहिए पूरे वीडियो में। जैसा कि आप लोगों को लाइव में मैंने दिखाया था, आज सचिव महोदय से हमारी मुलाकात हुआ, बहुत कम टाइम दिए हमसे बात किए। रीजन ये था कि जो अभी रिजल्ट पेंडिंग है जेई का, उस रिजल्ट में वो लोग काफी लोग लगे हुए हैं। उनका कहना है कि ये जब तक जो है ये रिजल्ट क्लियर नहीं होता है उससे पहले हम कुछ भी आप लोगों के अनुदेशक बहाली का अभी कोई जो है अप टू डेट नहीं दे सकते हैं। तो आज जो है शॉर्ट में उनसे बातचीत हुई थी, आप समझ सकते हैं आप लोग भी क्या उन्होंने कहा शॉर्ट में, कि अभी जो है कहने का मतलब है कि उनके पास जो है ना कोई टेंडर हुआ है अभी बहाली का, ना कुछ भी, अभी वो फाइल फिर से पेंडिंग में पड़ा हुआ है। क्योंकि आप लोगों को पता है, इससे पहले भी मैंने बताया है, काफी वीडियो मेरा अनुदेशक बहाली से संबंधित था, उसमें बताया है कि भाई प्रेशर बनाना पड़ता है, बिना प्रेशर का कुछ भी नहीं है। जब तक प्रेशर नहीं बनाइएगा तब तक कुछ नहीं होने का है। तो जैसा कि और चंदन सर हमारे साथ में थे आज और लाइव में भी दिखाए थे, जो हमारे साथ चंदन सर थे और ये भी साथ में गए थे, तो ये भी बताएंगे कि किस तरह से उनसे बातचीत हुआ था, जो आप लोगों को अच्छा से समझ में आएगा। और फिर इसमें जो है क्या क्या हम लोगों को करना पड़ेगा आगे, उसके बारे में भी हम चर्चा इसी वीडियो में करेंगे। जो और विभाग भी हमें जाना है, जैसे कि कल हो या उससे अगले दिन हो, हम विभाग भी जाएंगे, विभाग से भी बात करेंगे, सेक्रेटरी से हो, डायरेक्टर से हो या मिनिस्टर से हो, यानी सभी लोगों से मिलेंगे फिर, और मिलने के बाद जो भी अप टू डेट होगा फिर देंगे। आज का अप टू डेट विस्तार रूप से हमारे सहयोगी चंदन सर बताएंगे। तो चंदन सर आप बताइए कि आज क्या क्या हुआ। देखिये, सबसे बड़ी बात है कि आज का जो मीटिंग रहा वो काफी निराशाजनक रहा। ऐसा हम लोग उम्मीद नहीं किए थे कि इस तरह से भी होगा, क्योंकि हम लोग गए तो चेयरमैन जो है वो चेयरमैन तो सचिव थे, सचिव महोदय, सचिव जो थे उन्होंने मतलब इतना शॉर्ट में बात बोला कि जब देखिए सीधी सीधी बात है कि अभी जेई का काम चल रहा है। सच में मैंने देखा, हम लोगों ने देखा वहां कि सारी व्यस्तता थी, वो किसी अपने लोग परिचित लोग से भी नहीं मिल रहे थे, झूठ मूठ का बहाना बना दे रहे थे। हम लोग लगभग हम लोग वहां पहुंचे थे तो दो घंटा के इंतजार के बाद हम लोग को मतलब टाइम दिया गया, वो भी एक पांच बजे के आसपास। मतलब ये समझिए कि हम लोग वहां 2 बजे से खड़े थे और तो उसके बाद 5 बजे के आसपास हम लोग को मतलब विजिट करने के लिए दिया गया, टाइम पे बुलाया गया। और बहुत छोटे समय के लिए उन्होंने सीधा बात बोला कि देखिए जब तक ये जेई वाला क्लियर नहीं हो जाता है तो तब तक कोई उम्मीद नहीं है, तब तक उसके बाद ही नोटिफिकेशन निकलेगा। पिछले बार भी हम लोग जब विजिट करने के लिए गए थे तो वहां हम लोग को बताया गया था कि ये मतलब सारा फाइल वगैरह तो पता ही था और दिखाया भी उन्होंने कि हाँ आपके पास आपका वीडियो आया हुआ है हमारे पास, लेकिन आपका जब टेंडर वेंडर होगा तो फिर आप लोग का वैकेंसी निकल जाएगा, जैसे ही टेंडर होगा तो आप लोग का वैकेंसी निकल जाएगा। लेकिन अभी इन्होंने कोई बातें ऐसा चीज नहीं बताया, तो जाके हम लोग को लगे कि नहीं किसी मंथ में हो जाएगा। जब तक वो सीधा एक ही बात बोले कि जब तक कि ये नहीं निकल जाता आपका, जब तक जेई वाला क्लियर नहीं हो जाता तब तक कोई उपाय नहीं। लेकिन हम लोग उनके इस फैसले से काफी निराश थे और हम ऐसा सोच रहे हैं हम लोग कि अब जाएंगे बीटीएससी तो वहां इस बात को चर्चा करेंगे सर कि इस तरह से वहां किया जा रहा है। सो आप लोग कुछ देखिए हम लोग क्या देखिए अब क्या होता है नहीं होता, लेकिन हमको लगता है इस तरह से नहीं होगा काम, हम लोग को कुछ आगे आना पड़ेगा, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से कि आप लोग बोल रहे हैं कि ये, नहीं तो वही आप लोग शायद ग्रुप में एक वीडियो भी गया होगा
जिसमें कि सारे विद्यार्थी लोग को जो है पटक पटक की नौकरी दिया जा रहा है। सो उस टाइप का हम लोग को नहीं करना है, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा इस बात पे हम लोग ऐसा है कि नियोजन भवन में भी जाके हम लोग एक बार देख लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। वहां भी पूछेंगे सर वहां का तो ऐसा शिथिल काम हो रहा है, किसी का कोई ठीक ठिकाना नहीं हो रहा, कब क्या बोल रहा है क्या नहीं कर रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो हम लोग को क्या करना चाहिए। तो अगर देखिए अगर कुछ बताते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर बोले हम लोग बोलेंगे यही बोलेंगे प्रेशर दीजिए कि सर यहाँ से फिर से एक लेटर भेजिए। वैसे लेटर तो कितना भेजा जा चुका है, हम लोग को दिखाते हैं कभी कभी कि ये देखिए पूरा पोथा का पोथा कि सर इतना लेटर भेज दिए हम लोग, आप लोग तो देखते ही नहीं है। तो फिर से कोशिश करेंगे और इससे ज्यादा तो क्या बोलेंगे, फिर देखते हैं कुछ दूसरा एक वीडियो कोशिश करते हैं उसमें क्या क्या जब कुछ बताया जाएगा तो ऐसा कीजिए वैसा कीजिए तो फिर हम लोग बताएंगे क्या करना है नहीं करना है। वैसे हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट डे कल या फिर डे आफ्टर टुमारो हम लोग देखते हैं कोशिश करेंगे जाके कि वहां से किसे मिला था डायरेक्टर से मंत्री जी से मिलने से, वैसे भी आपको पता है कि मंत्री जी से मिलने से वो एक ही बार घिसा पीटा जवाब देते हैं कि नौकरी आप लोग तैयारी कीजिए बस नौकरी आ ही रही है। अब हम लोगों ने तो दो बार मिल लिया, दोनों बार तो यही जवाब था मंत्री जी से मिलने। एक बार डायरेक्टर से सोचते हैं हम लोग मिलके देखें, क्योंकि किसी अधिकारी ने बताया था कि आप लोग डायरेक्टर से एक बार मिलके देखें, सचिव से सेक्रेटरी और सचिव डायरेक्टर ये सबसे मिलके देखिए आप लोग एक बार ये लोग क्या बोलते हैं। वैसे होना तो जो होगा वही होगा, लेकिन एक बार आप लोग इस सबसे मिलके देखे शायद कुछ प्रेशर ये लोग आप लोग का बात काम कर जाए प्रेशर बना दे, ये चीज देखिए आप लोग करके। तो ऐसे स्थिति में हम चाहते हैं कि जाके देख लें और उसके बाद ही कुछ सोचें। और आप लोग देख रहे हैं कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, कोई हेट कमेंट कर रहे हो कि यूट्यूब वीडियो गलत है, आप ऐसा मतलब ब्लफ नहीं करना चाहे, ऐसा नहीं यार कि हम लोग गलत बोलते हैं। और अगर ऐसा लगता है तो आप आप डिसलाइक भी कर सकते हो, वैसे आपका लाइक डिसलाइक जो भी है हम उसको एक इस तौर पर लेते हैं ठीक है, क्योंकि वहां से घर से बैठे मोबाइल डिसलाइक करना या फिर गलत कमेंट करना ये तो आपके चुटकी का सवाल है, लेकिन जरा आके कभी आप कभी दो घंटे तीन घंटे खड़े रह के देखो भाई, पता चल जाएगा। और जो अगर देखे भी होंगे तो पता चल गया होगा कि कैसे जाते हैं। तो इस बात पे हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन एक बार सोच के कीजिए, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोग कैसे कीजिए नहीं कीजिए ठीक है, जो भी लोग सभी लोग सपोर्ट कीजिए ताकि और जितना ज्यादा से ज्यादा हो, जो भी CITS होल्डर हमारे चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं सबको जोड़े और सभी तक जो है इस वीडियो को पहुंचाए, ताकि जो है हम लोग फिर एक नया रणनीति कुछ न कुछ करना पड़ेगा, कुछ न कुछ नहीं करेंगे तो इस तरह सरकार फिर सुनने वाली नहीं है। तो आप लोगों को सपोर्ट हर तरह से करना पड़ेगा, नहीं तो आज डेढ़ मंथ से लगता है कि जो आउट ऑफ पटना थे हम, तो शायद आप लोगों को न्यूज कितना मिला होगा आप खुद जानते होंगे। तो सपोर्ट नहीं मिलेगा हमारा तो हमको आप सभी सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर हो सकता है इसी प्रकार से जो फिर हम किसी प्रकार का न्यूज इस तरह का नहीं देंगे, क्योंकि उसमें काफी मेहनत लगता है और काफी लोगों से सुनना भी पड़ता है, बहुत सारी बातें है इसके अंदर। तो आप लोग समझ सकते हैं चंदन सर जब जाते हैं तब देखते हैं कि जब हम भाई कितना मेहनत लगता है मिलने में कोई भी IAS ऑफिसर से या कोई मिनिस्टर से, तो काफी दिक्कत है। और इस तरह से बहाली जो आप सोच रहे हैं कि ये आ जाएगी, ये नहीं है। जब तक नहीं कोई रणनीति बनाया जाएगा, कोई रास्ता नहीं निकाला जाएगा, चंदन सर जैसा कि अभी कहे कि जे मार मार के क्या बोल रहे थे नौकरी मिलता है, पटक पटक के नौकरी मिलता है तो उस रास्ते पे नहीं जाना, रास्ता बहुत है, उस रास्ते को अपनाना है ताकि हमारा नोटिफिकेशन आ जाए। इस रास्ते से चलना है तो आप लोगों का भी है, कमेंट में जरूर बताएंगे कि ये क्या करना है। दोस्तों मैं इसके साथ एक और चीज बोलना चाहूंगा कि देखो क्या होता है ना कि जब हम लोग एक बार पिछले बार हुआ था कि नहीं सबको पटना चलना है ठीक ना, सारे हमारे मित्र लोग ही बोले थे, तो बोलने के टाइम में तो बहुत सारे थे कि मतलब कि हम लोग इतना जाएंगे उतना जाएंगे, और आने के टाइम में पता चला कि मुट्ठी भर तो छोड़ दिए, चुटकी भर लोग भी नहीं थे। मैं गिनती बता रहा हूँ भाई साहब, 8 आदमी थे
बताइए यहाँ ग्रुप में हमारे 350+ हैं और उसके बाद आने में 8 आदमी थे मात्र। बताइए भाई 8 आदमी क्या प्रेशर डालोगे और बोल रहे हो कि हम लोग बीटीएससी को घेरेंगे और ये करेंगे वो करेंगे, बताओ भाई कैसे हो जाएगा ये? तो ऐसे ऐसे नहीं होना चाहिए। मैं ये बता रहा हूँ कि देखो सबके पास काम है, मैं ये मानता हूँ कि सबके पास काम है, हो सकता है किसी के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, तो ऐसा नहीं है। कुछ कुछ अगर कभी जब आने की बारी हो या फिर जगने की बारी हो तो जगना चाहिए, ठीक है। और विशेषकर मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, पता नहीं राजेश सर बताए तो नहीं है लेकिन सोच रहे कि हमें डायरेक्ट तो नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन मैं एक बात बताऊं, ये महिला संगठन जो है थोड़ा महिला को आगे आना पड़ेगा, ठीक ना। मैं ये बात अच्छी नहीं है लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ, ये कुछ ना कुछ तो इफेक्ट पड़ता है, महिला को आगे आना पड़ेगा। पिछले बार भी जब बुला गया था तो हमें लग रहा है कि कुछ कुछ महिला ने बोला था कि मैं आऊंगा, लेकिन आया नहीं, ठीक है। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ, मैं ये चीज नहीं बता रहा हूँ कि हमारी बातें नहीं सुनेंगी, लेकिन ये सब सारे चीजें आप लोग जानते हैं और हमें लगता है कि वो लोग भी अगर आगे आए तो कुछ पता नहीं सारी प्रभाव वो लोग पे पड़े, और वो लोग मैं ऐसा चाहता हूँ, ठीक है। और हमें ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ प्रभाव पड़ेगा, बाकी तो सर लोग हैं ही, देखेंगे वो, और बाकी जो होना होगा ही, मैं क्या करूँ। तो विशेष जो है ये शॉर्ट जो है आप लोगों का न्यूज देना था आज बीटीएससी का, जो बीटीएससी के अंदर क्या हुआ, सचिव ने क्या बोला, सचिव से क्या मुलाकात होने के बाद क्या कहा, बहुत सारी फाइल वगैरह भी हम देखे और दिखाया गया हम लोगों को, उसका जो है हम विस्तार रूप से और वीडियो उस पर हम बना देंगे पूरा डिटेल्स। ये शॉर्ट था देना कि आज का जो है कहिएगा 100% जो वर्क हुआ वो बीटीएससी से आज 100% वर्क नहीं हुआ, हम लोग काफी दुखी हो गए क्योंकि इतना मेहनत करने के बाद भी जो है आउटपुट सही नहीं मिला हम लोगों को, जिस तरह पहले बार मिला था जो हम ही बताए थे आप लोगों से, जो कि सचिव महोदय के द्वारा बताया गया था सितंबर मंथ में नोटिफिकेशन आ जाएगा, लेकिन ये दिसंबर भी खत्म हो चुका है, अब लग रहा है साल 2023 आने वाला है, फिर भी उन्होंने कहा कि जे भाई किसी प्रकार का अभी जो है उस फाइल पर काम नहीं हो रहा है, अभी जो है टोटली काम है जो जेई का रिजल्ट पर हो रहा है, उसके बाद ही कुछ होगा। अब पता नहीं, ये भी नहीं उन्होंने डेट बताया कि जे इतना दिन में जेई का रिजल्ट फाइनल हो जाएगा, लेकिन जो उनके निम्न वर्ग के जो अधिकारी होते हैं उनके द्वारा फिर जानकारी मिला जो 2 से 4 दिन के अंदर जो है जेई का रिजल्ट ओपन हो जाएगा, उसके बाद जो है इस फाइल पर काम होगी। तो ये इस ढंग का बात है। चंदन सर जैसा भी कहा, महिला को भी आगे आना चाहिए था, महिला लोग आगे आएंगे हमें भी सपोर्ट मिलेगा और हम आगे जहां भी मिलने जाते हैं वहां पर भी हमें ज्यादा कॉपरेट होगा, कॉपरेट किया जाएगा, अधिकारी लोग भी जो है महिला की बात ज्यादा सुनते हैं। तो ये सारे पहलू है, ये सब सभी को ध्यान देना चाहिए और इस पर विस्तार रूप से हम लोग आगे फिर चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, जिनको अच्छा लगे अगर इस प्रकार का न्यूज तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, सभी सीआईटीएस होल्डर को ये वीडियो वहां तक जरूर पहुंचाइएगा। क्या चंदन भाई साहब, मेरा एक पर्सनल रिक्वेस्ट है, ठीक है, जिसको बुरा लगे वो भी डिसलाइक करें, ठीक ना, जिसको बुरा लगे वो डिसलाइक जरूर, ताकि हमें तो पता चले भाई किसको किसको बुरा लग रहा है, ठीक है, वो डिसलाइक जरूर जिसे बुरा लगा हो, और जिसको अच्छा लगा वो बेचक दिल खोल के एकदम सीधा मारो धाम और सब्सक्राइब करो और लाइक करो। हाँ, और जो भी सीआईटीएस होल्डर है या फिर आईटीआई का फॉर्म भरना चाहते हैं उसको शेयर जरूर करें। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।